थिएट्रिकल लॉन्च ऑफ कलंक जो मेरे लिए आलिया के लिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इमोशन फिल्म है. हम लोग ने कभी कुछ होस्ट नहीं किया साथ में ना कभी कोई अवार्ड शो. हाँ, हमें यहाँ पे आके होस्ट करना पड़ा क्योंकि अभी करण सर सिंगापुर में अपना वैक्स स्टैचू अनवेल कर रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट टू करण सर. बेस्ट ऑफ लक करण फॉर दैट. सो वी आर हियर टुडे एंड वी आर गोना बी द होस्ट. So hopefully चप्पल नहीं. I think पहले हम लोग को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए. Yeah. Should we just see the trailer first? Are you guys excited for the trailer of Kalank? Okay, so first let's have the trailer, guys. Yeah, we're gonna have the trailer. Cast and crew and the members of the film. तो पहले मैं वरुण को इंट्रोड्यूस करती हूँ क्योंकि I think it's fair that we introduce each other also. तो आप एक fake walk करके आना. अच्छा fake walk करके. हाँ fake walk करके आना. Okay. जफर की बोली है बंदूक की गोली. प्रेजेंटिंग वरुण धवन जो सबके दिलों को करते हैं चोरी. तो अभी आपको भी वॉक करके आना है ना. आइए. ये मैंने रैप नहीं लिखा है क्योंकि मैंने गली बॉय नहीं की थी तो ये रणवीर ने भेजा होगा मेरे लिए मुझे लग रहा है. बड़ी में उसका नाम है रूप और उसका नाम ही काफी है. प्रेजेंटिंग आलिया भट्ट रूप की मलिका. थैंक यू. क्या बात है. ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू जैसे कि आपने देखा हम कुछ शायरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी अंदाज में हम हमारे बाकी कलाकार को यहां बुलाएंगे. सो सत्या की सादगी ख्याल और मोहब्बत आपके दिल को छू जाएगी. सत्या की सादगी ख्याल और मोहब्बत आपके दिल को छू जाएगी. थामी अपना दिल क्योंकि अब सोनाक्षी सिन्हा आपके सामने आएगी. कुछ चंद शब्द आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शक से. इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्पीचलेस हूँ. I'm really, really touched and Varun और आलिया ने जो ये promotions को take over कर लिया है. I am very happy. I think we are all आपके जो साथी है आदित्य रॉय कपूर वो कहाँ है. वो बस आ ही रहे हैं. You know he likes to make an entrance, so he'll be here very, very soon, guys. उनके बारे में आप कहना चाहेंगे. मैं यही कहना चाहूंगी कि इट वाज ये मेरी पहली फिल्म है उनके साथ आदित्य के साथ एंड और शायद आखिरी होगी क्योंकि वो आए नहीं आज. नहीं बट इट वाज रियली फन वर्किंग विद दिस एंटायर टीम. ये जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में आई थिंक दे आर एक्सेप्शनल पीपल फर्स्ट एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. यस सत्या की सादगी. Next up, I want to call on stage an artist that I've been a very big fan of since I've been a child. And trust me, you can't guess this. You won't be able to guess it. I mean it, since I've been a child. Inki dosti aur muskurahat dono hi dil tak utar jati hai. Main baat kar raha hu Kunal Khemu ki, kyunki main unka fan raha hu since Raja Hindustani. Can we please have on stage Kunal Khemu? Kunal, anything you'll want to share with the media? Yeah, so far. I've just shared that I've been a fan of yours since Raja Hindustani, which is a true story. It's amazing. Childhood, he said. So I am part of such an amazing cast. There is Sanju sir and Madhuri ma'am, who I grew up watching and have been a fan of. And on the other side, I have Varun Dhawan, who's grown up watching my work and been my fan. So it's pretty amazing to be in my position. But I'm very glad and happy and privileged to be part of such a great cast and such a great film. Karan and Abhishek are not here today. But they've been banned. Abhishek has refused to show up for this event. Yeah, but क्योंकि उसने कहा मैं बात तो करता हूँ नहीं क्या करूँगा यहाँ आके. So if you guys are watching, Karan and Abhishek, thank you so much. I'm also looking forward to watching this on the 17th, and I think it's going to be a great one. वैसे तो इनके पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है लेकिन अरे अगर मैं वापस लेता हूं ये. अच्छा वैसे तो इनके पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है
लेकिन अगर उसे देखकर आपका दिल नहीं धड़का तो शायद आपके पास दिल ही नहीं है. Let's call on stage आदित्य रॉय कपूर. Hello friends. the host and hostess. थोड़ा सा एक वार्डरोब मैलफंक्शन हुआ है. मैलफंक्शन हुआ है मुझे तो कुछ क्या ना, ये शोल्डर राउंडेड है थोड़ा. एंड आई नो इट्स अ वेरी माइनर थिंग but you must pay attention to detail. Yeah, it's a big day and there's no need for the shoulders to not look correct. that is true. but main aa gaya hu but your shoulders are looking very correct. Aren't his shoulders looking correct, guys? Yeah, just tell me. Just say it again. How are my shoulders? They're good. Yeah, thank you. Okay, moving on to our next most beautiful kalakar. Arz kiya hai हुस्न अदा और सुरों की मलिका अगर दुनिया में तलाश करे तो माधुरी दीक्षित को पाएंगे. और कलंक में आप उन्हें बहार बेगम के नाम से भी जान जाएंगे. प्लीज वेलकम माधुरी दीक्षित. So ma'am, Varun and I were having a very important discussion yesterday on Insta Live and he has not believed me ke hum jab ghar more pardesiya ke liye shoot kar rahe the to ek sargam tha, ek aalap tha which we both had to sing. And Varun is saying, are you mad? How can Madhuri ma'am be nervous? She said ki main to nervous thi hi unke samne perform karne waqt, par wo bhi nervous thi mujhe dekhkar. I said I said we have proof. I said कि हम दोनों नर्वस थे सरगम को गाते समय. I said ये फीलिंग मुझे और आदित्य को हो सकती है कि तेरे को देख के हम लोग नर्वस हो जाए. Will you let ma'am speak? So आप प्लीज बोलिए कि yes we were both very nervous. Don't tell her what to say. No, wait one minute. We were very nervous क्योंकि इतनी लंबी सरगम इतनी complicated थी तो हम लोग सोच रहे थे कि what is the shortcut to do this, right? कैसे इसको मतलब कैसे शॉर्ट हैंड में कुछ सीख के उसको कुछ. एंड देन आई जस्ट कॉपीड यू. सो दैट्स व्हाट वी डिड. इज देयर अ हुक स्टेप to the sargam? You've been away for very long. I want to learn one of these. Let's call on stage the last but not the least, the most important member of the Kalank family, Balraj Chaudhry. Usool aur rishton ki hifazat karna Balraj ki pehchan hai. मैं कुछ आवाज से उन्हें बुलाना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चांट करें. उनका एक पेट नेम है, बहुत प्यार से लोग उन्हें वो बुलाते हैं. क्या तीन चार बार बोलना पड़ेगा साथ में. Can we please get the biggest baba of our industry, Sanjay Dutt? संजू सर, आपने भी आलिया के साथ काफी सीन्स किए, आपको भी नर्वसनेस हुई जैसे? हाँ, बहुत नर्वस हुआ यार. So this is it guys, ये हमारे कलंक की परिवार. एंड अभिषेक वर्मन जो निर्देशक है इस फिल्म के, वो नहीं आ सके आज क्योंकि वो बिजी है मिक्सिंग में. पर हम लोग ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग चाहते कि आप हमसे प्रश्न पूछे. जो भी आपके दिल में प्लीज़ पूछे, क्योंकि अभी आप लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे जो कार्ड्स है खुल चुके हैं, तो जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं. मुझे एक सवाल पूछना है आप सबसे. ट्रेलर कैसा लगा? Okay, so yeah, we can have the questions open. Mike, anybody has a mic? Your left. Rahul here from the Filmi Charcha. मेरा सवाल सबसे है, सर कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं. तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं सर. मुझसे? जी सर. मैं तो कलंक ही हूँ यार. नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर. तो पहले आप शुरू था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है. सब अपने अपने एक्सपीरियंस. वरुण सर आपसे. नहीं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सही कहा, कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है.
यू नो कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है. बट हमारी जो फिल्म है दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव. और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से. माधुरी मैम, कलंक अभी क्या कलंक. मुझे लगता है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज़ वेरी ट्रू कि इस फिल्म में, और डिटो बोलूँगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है. इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली, तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है. आदित्य सर, सेम. आलिया मैम, सेम सेम. सोनाक्षी मैम, सेम टू सेम. कुणाल सर, यार पर तूने थोपने की बात की ना, पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेस सीक्वेंस था तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए. वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सर से, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, ट्रिपल आर, ये वो. तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है. तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से? नहीं सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ. कुछ तो लग रहा होगा सर आपको, कुछ तो लग रहा होगा. मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था. नो बेसिकली मैंने कहा था कि अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए. और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा. तो मेरा वो मतलब था. टीम टू द टीम कलंक, दिस ऑन योर राइट साइड, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर. थैंक यू. ओके, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है, ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म, सो आप अपने कैरेक्टर बारे में पहले बताइए प्लीज. यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ तो मुझे भी तभी पता चलेगा. सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पॉजिटिव नेगेटिव. पर ये सच है, ये सच है क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही विल बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. कुणाल एक्चुअली ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल इवन व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म व्हिच ओनली मी एंड आदित्य नो अबाउट. सम पर्सनल मेमोरीज ही रिलिव्ड इन. Yeah. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से. ही वाज इन कैरेक्टर. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ. वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले. But in your go-karting. One day we went. One day he broke, character. You are broke character. But that go-karting had nothing to do with the film. Yeah, of course. Uh-huh. Means as a recreational activity. Yeah. Okay. Anyways, to answer your question, 17th we'll find out. मेरा सवाल, हालांकि अभिषेक वर्मन से था लेकिन वो यहाँ नहीं. हम लोग उन्हें पता देंगे. हाँ जी, हाँ जी. संजू सर, here. आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था. ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं. तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह के सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए? ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं नहीं, मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ. तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से. जी हाँ, वरुण और मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था. और आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मन, बिकॉज इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? ही हैड नो चॉइस टू हैंडल मी, राइट? है ना, ही हैड नो चॉइस. नहीं, बट बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है. एंड आई लव दैट सीन माधुरी मी एंड वरुण डिड. आई थिंक पावरफुल सीन है बहुत एंड बहुत मजा आया. संजू, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट दैट सीन अ लिटिल बिट? नो, नॉट येट. नो, बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन. लाइक द वे यू क्लियरली पॉइंटेड आउट के बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है और यू नो इट्स स्टिल फॉलोइंग वन जर्नी ऑफ लव, बट आई थिंक
कि जिंदगी भी वैसी है सीधी तो नहीं कटती इट्स ऑलवेज उल्टा फुल्टा यू नो आड़ा टेढ़ा बट एट द कोर ऑफ दिस फिल्म द फिल्म इज अबाउट ऑल दीज रिलेशनशिप्स द डायनामिक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ऑफ कोर्स लव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पर ह्यूमन डायनामिक और रिलेशनशिप्स डायनामिक्स को लेकर उस पर ज्यादा फोकस्ड है आलिया दिस साइड यू टॉकिंग अबाउट द डायनामिक लव बीइंग डायनामिक एंड देर इज़ अ डायलॉग जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की yes, तरफ लेके वरुण की नहीं लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम सब तो आपने कभी कोई फैसला लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया है आपके बिल्ली को आपकी बहन को या किसी को मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे तो नहीं लगता डिसीजन के वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है क्योंकि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो और वो तो सबके साथ होता है बट आई डोंट थिंक आई हैव रुइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट वी डोंट नो या आई एम टेलिंग यू आई कांट से ना मुझे क्या पता कोई बेचारा लड़का किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी बोली है बंदूक की गोली कीप क्वाइट वरुण नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा इलाज नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात करना चाहते हैं वरुण इधर इधर हाँ अभी मैम टाइम बाद मिली हो थोड़ा सा इलैबोरेट करो किसके बारे में अबाउट नाजायज रिश्ता एज इन अफेयर्स चीटिंग मजा आ रहा है आपको नहीं मैम माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें रिश्ता किसके साथ रील रील पे रील पे रियल में नहीं नहीं तो मार खा जाओगे बाहर नहीं मार वार की बात नहीं है I think जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है I'll let you all explore that on 17th April. But अगर आप real life में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो I think Aditya better answer देगा. What? Why, bro? You thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, Justin. Varun, Varun, Justin, you're from PTI Varun. Towards your left here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shah Rukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. And this has been a lot of time for this thing. And after that, Karan had left this film because his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But it was very close to his heart. एंड जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे ड्यूरिंग माय नेम इज खान सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब अभिषेक ने स्टोरी सुनी थी एंड ही हैड कम एंड टोल्ड मी यू नो करण ने मुझे ऐसा कुछ स्टोरी वॉरी बोला था एट दैट टाइम किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये डायरेक्ट करेंगे मैं कभी एक्ट करूँगा इसमें पर आई एक्चुअली मेट शाहरुख सर अ कपल ऑफ आई थिंक अ वीक बैक एंड उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा एंड ही हैड सम गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट और वो काफ़ी खुश थे आई सेड कि मैंने वो सूरमा वूरमा भी लगाया सर क्या लग रहा है आपको सो ही स्माइल्ड एट मी आई थिंक ही सेइंग गुड यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग दीज आर रोल्स दैट विल गेट यू क्लोजर टू द ऑडियंस तो उतना ही बोला था तो वरुण योर टू योर राइट ओवर हियर व्हाट्स अप Hi, Russell here from MovieFied. So recently, there's a report that come where you said that Zafar. They all are starting the questions. मेरे को सच्ची में लगा कोई पुलिस ने कुछ रिपोर्ट दी है कुछ. Okay, an article, a story. An article, a story. Fictitious story. Yeah, no, it has come the way you have said. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur and you played a character in Sui Daga where you have to take an accent and all is different. So how does this character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar ke zindagi mein jo jo ghatnaye ghatti hai,
everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is, like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा इस फिल्म के साथ यू नो हाउ विल आई आइडेंटिफाई बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक वो रोज एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफर के बारे में बात अबाउट हिज चाइल्डहुड मैं बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है और हर चीज मतलब कुछ भी हो जाए उसके जिंदगी में ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है एन एरोगेंट कैरेक्टर तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में लास्ट टू क्वेश्चंस हाय हाय आदित्य सोनाक्षी वी आर टू योर हाय सोनाक्षी हाय आदित्य दिस इज उर्वी हाय सोनाक्षी हाय आदित्य हाय हाय आदित्य दिस इज उर्वी हियर आदित्य देयर इज अ सीन इन द फिल्म वेयर Apparently, you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. Method acting, method you acting. You have to always get drunk. Yeah, I've played a few now. It's been a few. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? Well, I haven't seen the trailer. So that was a scene that we did together. Because he was late. That no? we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did I prepare for it? Despite being drunk, let me put despite it that way. Despite being drunk, she's saying you were drunk. you were supposed to act. Drunk. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act. You were drunk. Yeah. That's what you're saying. Very confusing. hi, Sonakshi. I also Sonakshi have a question here? For Madhuri, ma'am. Hi. Ma'am, Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when y'all three would come together and then eventually all four. Now that you all four have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning ki ye hone wala hai. Ek din hum charo kaam karne wale hai ek saath. Kyunki Tamma Tamma se jo shuruaat hui, वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके बहुत होनहार एक्टर्स हैं आलिया वरुण आदित्य सोनाक्षी खेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर मुझे ये माधुरी बोला बट आप लोग यूल आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी Respect, you know. Respect. नहीं मैं मैं भी बहुत respect करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और दो characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. They सबकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं, back stories हैं. और जैसे वरुण ने कहा, that is what determines who they are. उनकी जो experiences रहे हैं, उसकी वजह से वो बने हैं. और कैसे पूरे lives हमारे सबके इंटरट्वाइंड है एक साथ मिले हुए हैं तो दैट इज व्हाट इट इज ओके लास्ट क्वेश्चन मधु फ्रॉम बीबीसी हिंदी यहां पे आपके सामने सीधा सोनाक्षी हियर हियर लेफ्ट राइट 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 हां जी मैम बोलिए बोलिए मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हमने अभी ट्रेलर देखा और आपका किरदार काफी अलग लग रहा है जैसे कि हमने पहले की फिल्मों में आपको काफी चुलबुले अंदाज में देखा है बट यहां पे हम आपको देख रहे हैं काफी सीरियस और बहुत कम डायलॉग तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे आई थिंक दिस ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है जिस तरह की औरत सत्या है शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग वो हमेशा अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले देखती है सो आई थिंक इट्स यू नो इट्स इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा when it came to Satya and it's definitely one of the most special characters of my entire career okay nahi bilkul nahi wo bilkul usse inspired nahi hai aur kuch taluqat nahi hai in fact wo one of the most difficult scenes hai film mein shoot karte waqt aditya main aur alia bahut waqt बिताया हम लोगों ने उस सीन को शूट करते वक्त आलिया नहीं चाहती कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं ना इस हाँ. हाँ नहीं हम बोलेंगे पर अभी आई जस्ट हाँ इट्स अ थोड़ा थोड़ा अभी नहीं, अभी नहीं थोड़ा बोलेंगे थोड़ा नहीं बोलेंगे और ये बोल दिया कि वो बहुत वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ही डिफिकल्ट था और नो रिक्रिएशन नथिंग
basically stories mein bahut zyada twists or turns hai which we want you all to enjoy agar yeah. aapko abhi se pata chal jayega obviously bahut zyada khol diya hai story isme but bahut sari cheeze jiske bare mein abhi bhi aapko nahi pata hai the relationships why do things take place and it's based during a very interesting period so I think you all will hopefully enjoy it Thank you, guys. Thank you so much. तो मैं आपके पास आऊंगा आप मेरे पास मत आना देने के लिए सच्ची में Varun, 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 Var